आप देख सकते हैं ये जो नोटिस है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का है जी हाँ, आपके आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग रिजल्ट को लेकर। जैसे कि आपको पता है आपका एग्ज़ाम जो है ये 12 अगस्त को और आपका 27 अगस्त को हुआ था टाइपिंग का एग्ज़ाम। अब इसके रिजल्ट का जो है जो स्टूडेंट जो है वेट कर रहे हैं उनके बारे में मैं इसमें बता देती हूँ नोटिस में। गाइज आपको ये पता होगा कि आपकी जो है अभी जो है इसकी रिस्पांस की यानी कि आंसर की जो है अभी आनी ज़रूरी है, तो आंसर की जो है आपकी इसकी 2-4 दिन में जो है आ जाएगी, ठीक है। और 2-4 दिन का मतलब ये है 6 सितंबर तक जो है आपकी आंसर की जो है जारी कर दी जाएगी ऑफिशियल नोटिस के साथ। और रही बात रिज़ल्ट की, तो आपका जो ये रिज़ल्ट है जो कि सेंट्रल 1/2019 का है, ये आपका रिज़ल्ट जो है अक्टूबर की जो है फर्स्ट वीक में जो है जारी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस आपके लिए, ठीक है ना। इसमें देखिए नोटिस में भी लिख रहा है और इसमें लिख रहा है कि जो कैंडिडेट पास हो जाएंगे, इसमें लिख रहा है कि एग्ज़ाम डेट मेंशनड इन एग्ज़ाम सिटी एंड इंफॉर्मेशन लीक, वो कॉल लेटर जो है आपको जो है 4 दिन पहले जो है दिखाई देगा। जो एडमिट कार्ड आता है, जैसे कि हर चीज़ का प्रोसीजर होता है कि कॉल लेटर जो है एग्ज़ाम के 4 दिन पहले दिखाई देता है, उसी प्रकार एग्ज़ाम होने के 15 दिन बाद जो है आंसर की आती है और उसके 1 मंथ बाद जो है रिज़ल्ट आता है। तो आपका रिज़ल्ट जो है गाइस ये जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है आ लेगा। ऑल द बेस्ट गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।